आज का सुसंस्कार विषय नर की लालसा पाम रोग की खाए, ये दोहा पूरा इस प्रकार से है और बहुत बड़ी शिक्षा देने वाला है। विषय नर की लालसा पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा तीनों बेअंदाज। देखिए ये जो है एक्सट्रीमिटी है, विषय व्यक्ति होता है, भोग विलास ऐश आराम ई ड्रिंक बी मैरी व्यभिचार पांच इंद्रियों के सुख वगैरह सब को जो भोगने वाला है वो भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, वीर्य का हनन हो जाता है, फिर भी बुरी लत के कारण जो है विषय को छोड़ता नहीं है। और पाम रोग जिसको खुजली हो जाती है, इतनी भयंकर पाम रोग की होती है, खुजलाता रहता है, लहू लुहान हो जाता है, लहू बहने लगता है, फिर भी खुजलाना नहीं छोड़ता। और लोभी की धन लालसा, लोभी व्यक्ति उसकी नीड तो कभी पूरी होगी लेकिन वो ग्रीडी हो जाता है, उसको आवश्यकता नहीं है तो भी वो बिना आवश्यकता के वस्तुओं का संग्रह हवश लोभ के हवश के वशीभूत होकर करता रहता है, उसी में ही वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से तीनों बेअंदाज है और तीनों हवश है, तीनों अवगुण है, तीनों ही एक्सेस ऑफ एवरीथिंग है, इस रास्ते जाना नहीं चाहिए, ये बुराइयां हैं, इसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। देखिए जो आदमी लोभ करता है तो शरीर है, घर है, परिवार है, और उसका जो है थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करना पड़ता है, अतिथि देवो भव भी होता है, तो धन का होना आवश्यक है, हम इस बात को एग्री करते हैं, तो उसको नीड बोलते हैं। नीड इज अलाउड, प्रकृति ने अलाउ किया है और समाज ने अलाउ किया है और वह कर्तव्य भी उसका।